प्यारी YouTube फैमिली, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बहुत ही कम प्रोडक्ट में घर बैठे कहीं भी पार्लर जाके आपको हज़ारों रुपए खर्च नहीं करने हैं और मेकअप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि दी आप फेसियल ऑयल या फिर फेस सीरम कुछ लगाती हैं, तो वो भी शेयर किया करिए। तो यहाँ पे लक्मी का विटामिन सी फेसियल सीरम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। सीरम हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है, तो आप स्किन केयर प्रॉपर किया करिए। और यहाँ पे देखिए मेरी ना आंखें थोड़ी सी लाल है, तो माइंड मत करिएगा। और अभी मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल सा हो रखा है। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ लक्मी की ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और कोई सा भी आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, लेकिन इससे सस्ता, मतलब इससे सस्ता कोई आपको मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं मिल सकती। बहुत ही अच्छा है, आप इसको परचेस कर सकते हैं, आप किसी भी वेबसाइट से या फिर अपने लोकल मार्केट से भी जाके ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इनसाइट का प्राइमर लिया हुआ है। ये मैं जो भी मेकअप प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही कम प्राइस और बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो की स्पीड थोड़ी सी मैंने ज़्यादा रखी है ताकि आप लोग वीडियो से मेरे बोर ना हो और देख लें। बाकी ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा घिस रही हूँ अपने फेस को या फिर ऐसे थप्पड़े थप्पड़े ऐसे मार रही हूँ, ऐसा कुछ ना समझे। इसके बाद प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया हुआ है, और मैं एक जैसे आपको ज़्यादा डार्क सर्कल हो जाए या फेस ऐसा डल हो ना, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको लेना है कंसीलर, और कंसीलर ना आपके जो आपका जो शेड है ना उससे ना थोड़ा सा ना डार्क होना चाहिए, जिससे आपके ये ना जो जितने भी ये डार्क सर्कल हैं, जितने भी आपके दाग धब्बे हैं फेस पे, वो उन सब सारी चीज़ों को कवर कर देगा। आप मेरे दोनों आंखों के नीचे आप फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैंने इनसाइड का ही कंसीलर लिया हुआ है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही कम प्राइस में और अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। इसके बाद ये मैंने मिलानी का फाउंडेशन लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब मेरे मोस्ट फेवरेट ब्रांड में से ये है। थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, आई थिंक 1300 के अराउंड की है, बट मैं क्या बताऊँ, इसकी कवरेज, ये पूरा दिन अपने फेस पे आपके टिका रहता है। एक भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने मेकअप लगाया हुआ बिल्कुल भी केकी नहीं होता, बहुत इजीली ब्लेंड होता है और फुल कवरेज देता है। तो एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ पे मैं अपने फाउंडेशन को जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने नेक पे भी, क्योंकि हमारी नेक विजिबल होती है, और जब हम अपने फेस पे मेकअप अप्लाई करते हैं और नेक पे अप्लाई नहीं करते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर लिया हुआ है। अच्छा, मेरे से लोग पूछते हैं कि दी लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या फ़र्क होता है। लूज़ पाउडर ना अगर हम अपने पूरे फेस पे हम नहीं अप्लाई करते हैं, जैसे कि हमारे आँखों के नीचे डार्क सर्कल हैं और या फिर हमें आँखों के नीचे सेट करना है तो हम करते हैं, बाकी कॉम्पैक्ट से ना हमारा मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी दोनों आईब्रो यहाँ पे फिल कर ली हुई है, और अब बारी आती है ब्लश लगाने की। तो ये जो चीक और लिप टिंट है ना, मतलब मैं तो इसकी फ़ैन ही हो गई हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई नहीं, आप एकदम लाइट पिंक कलर सा लिपस्टिक लीजिए और उसकी हेल्प से ना आप अप्लाई कर लीजिए उसको, एज ए ब्लश आप अप्लाई करिए। मैंने अपने लिप्स पे भी अप्लाई कर लिया हुआ है, और इसके बाद मैं फिंगर की हेल्प से आप देखेंगे ब्लेंड कर लूँगी मैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्रश होना चाहिए तो ही आप मेकअप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है यहाँ पे पाउडर वाला ब्लश, और उससे ना मैं इसको ना सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है हाइलाइटर, और हाइलाइटर लगाते ही पूरा जैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा ग्लो जैसे लगता है कि आ जाता है। तो आप अपने मेकअप के प्रोडक्ट में एक हाइलाइटर ज़रूर रखें किसी भी ब्रांड का। वैसे मेरे पास ये मैं जो यूज़ कर रही हूँ सुगर का हाइलाइटर है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रो बोन पे भी अपने हाइलाइटर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं चाह रही थी एकदम ग्लैम लुक है, बहुत ही प्यारा सा लुक है इस ड्रेस के साथ। उसके बाद यहाँ पे मैं आई मेकअप कर रही हूँ। अच्छा, मैं आई मेकअप में ना कोई सा भी एकदम लाइट सा मैंने ना ब्राउन कलर लिया है, जिससे मेरी आंखें बड़ी लगेंगी, लगेगा ही नहीं कि मैंने आई शैडो अप्लाई किया है, बस वो आंखें ना बहुत अच्छी दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। और अब बारी आती है लाइनर की, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लाइनर लगाऊंगी NY की, और NY के लाइनर मैंने देखे बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा है। और इसको मैंने अमेज़ोन से लिया, अमेज़ोन पे भी अभी NY के प्रोडक्ट मिलने लगे, पहले पर्पल से मैं ये इसको लिया करती थी। और लाइनर मैं बहुत ही जल्दी से फटाक से लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी अब आदत हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं ना कि लाइनर कैसे लगाएं, इस पे वीडियो आए, तब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया है, और अब एक ही बार में करने की कोशिश ना करें वरना फैल जाएगा।
धीरे धीरे करके कोशिश करें, आपको भी लगाने आ जाएगा। उसके बाद लिपस्टिक, यहाँ पे मैं चाह रही थी कि मैं कोई लाइट कलर का लिपस्टिक लगाऊं, लेकिन ब्लैक ड्रेस थी और कोई मैंने हैवी सा मेकअप नहीं किया था, तो यहाँ पे थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक तो चलेगी। तो मैंने यहाँ पे लगाई है एक रेड कलर की, ये रहने की लिपस्टिक है, और लिपस्टिक लगाते ही पूरा लुक जो है वो चेंज हो गया। उसके बाद ये देखिए मेरा पूरा फाइनल लुक। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आप सबसे कल के एक